नेपाल वर्सेस स्कॉटलैंड मैच में नेपाल की बॉलिंग आप कह सकते हो बहुत ही ज्यादा बेस्ट रही है आज। मतलब जो यूएसए के अगेंस्ट हम लोग हारे थे उसके बाद हमें लगा था कि यार स्कॉटलैंड के अगेंस्ट जो है हमारा मुश्किल मुकाबला होगा, लेकिन नेपाल की बॉलिंग ने यार आप कह सकते हो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव बॉलिंग जो है सारे प्लेयर्स ने की। चाहे आप करण केसी की बात कर लो, चाहे आप सोमपाल कामी की बात कर लो, चाहे आप संदीप की बात कर लो, चाहे आप गुलशन झा की बात करो, चाहे दीपेंद्र सिंह एरी की, सारे के सारे प्लेयर ने आज अच्छी बॉलिंग की है, जिसका नतीजा ये हुआ कि यार स्कॉटलैंड वाले जो है ना वो ज्यादा रन मतलब बना ही नहीं पाए। आप यहाँ पे ना गुलशन झा की भी तारीफ कर सकते हो, क्योंकि गुलशन झा लिटरली यहाँ पे आज अपने 2 विकेट लिए, संदीप लामिचाने ने 2 विकेट लिए, सोमपाल कामी ने विकेट निकाला, करण केसी ने विकेट निकाला। ओवरऑल नेपाल की बॉलिंग लाइनअप आज बहुत ज्यादा तगड़ी थी, जिसका असर स्कॉटलैंड के बैटिंग पे दिख रहा था। स्कॉटलैंड के बैट्समैन जो है ना वो क्लूलेस थे। और देखो मैंने पहले भी कहा है कि नेपाल एज अ टीम एज अ यूनिटी के हिसाब से खेलेगी ना, तो वो इसी तरीके से जो है आपको विकेट निकालते हुए दिखेगी। जो चीजें आज दिखी है, आज आपको नेपाल की बॉलिंग दिखी है अच्छी, समझ रहे हो। और सबसे बेस्ट मैं कहूंगा यहाँ पे कैप्टन ने करा ये कि उन्होंने पहले टॉस जीत के बॉलिंग ली, क्योंकि ये कंडीशन ऐसा था कि इस पे फर्स्ट बैटिंग टीम जो है वो स्ट्रगल कर दी, और वो चीज दिखी। स्कॉटलैंड के बैट्समैन जो आए, करण केसी का वो स्पेल जो था स्टार्टिंग में, वो स्पेल बहुत बेस्ट था, उसकी लेंथ बहुत बेस्ट थी, जिस बॉल पे उसके ओपनर बैट्समैन आउट हो गए। उसके बाद सोमपल कामी, और इस तरीके से जो है विकेटों की यहाँ पे जो है गिरने की जो स्टार्ट है वो हो गई। संदीप लामिचाने स्कॉटलैंड के प्लेयर के साथ में वैसे ही भाई नाराज दिख रहे थे, आके उसने जो है एक अच्छे प्लेयर मैकमुलन का जो है विकेट निकाला, क्योंकि मैकमुलन संदीप के ओवर में पहले एक 4 मार के फिर एटीट्यूड दिखा रहा था। संदीप लामिचाने ने कहा अच्छा रुको, उसके नेक्स्ट बॉल पे संदीप ने उसे LBW आउट कर दिया। और लिटरली आज ऐसा लग रहा था कि संदीप लामिचाने बड़ा एग्रेशन दिखा रहे, क्योंकि ऐसा एग्रेशन मैं संदीप की तरफ से बहुत कम देखता था, लेकिन आज देखने को मिली है। दूसरा विकेट जब संदीप ने लिया तब भी ये एग्रेशन दिखा, प्लस बीच में आरिफ से स्कॉटलैंड के प्लेयर्स के बीच में थोड़ी बहुत जो है बातचीत हो रही थी, मतलब समझ रहे हो गर्मा गर्मी वाली जो चीज है वो चल रही थी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नेपाल ने यहाँ पे दिखाई है बॉलिंग में। अगर आपने से पूछो तो मतलब 100 रन स्कॉटलैंड जो है पार करने के लिए सोच रही थी कि यार 100 रन जो है हम कैसे पार करें, और वहां पे इन लोग अपने स्ट्रगल के चक्कर में जो है यहाँ पे मैच को मेरे हिसाब से कह सकते हैं नेपाल के झोली में डाल दिया। बस अब यहाँ से जो है नेपाल की बैटिंग को यहाँ पे सारी जो जिम्मेवारी है वो लेनी पड़ेगी, और मेरे हिसाब से ये जिम्मेवारी नेपाल के बैट्समैन नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप देखो तो लास्ट मैच में जिस तरीके से यहाँ पे अनिल शाह की बैटिंग रही, आसिफ शेख की बैटिंग रही, तो यहाँ पे अपना यही रहेगा कि यार ओपनर बैट्समैन जो है वो थोड़ा बहुत रन बना ले, क्योंकि ज्यादा टारगेट है नहीं, ठीक है, और आसानी से टारगेट चेज हो सकता है। लेकिन यार बॉलिंग की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सारे बॉलर ने मिल के विकेट निकाला है। सोमपाल कामी को विकेट मिला, गुलशन झा को विकेट मिला, संदीप लामिचाने को विकेट मिला, करण केसी को जो है 2 विकेट मिले, समझ रहे। उसके अलावा बात करूँ तो आरिफ सिंह ने बॉलिंग की, दीपेंद्र सिंह एरी ने बॉलिंग की, मतलब लगभग लगभग सारे बॉलर ने जो है बॉलिंग की। कुशल भुरतेल को लेकर मुझे लगा था कि यार बॉलिंग दी जाएगी, लेकिन कुशल भुरतेल को बॉलिंग दी, लेकिन वो चीजें थोड़ी बहुत मुझे बुरी लगी, बाकी यहाँ पे सब कुछ ठीक था। कैप्टेंसी की बात अगर करो तो बॉलिंग रोटेशन भी ठीक थी, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी, आपने देखा होगा बादल थे, काले बादल, तो ओवरकास्ट कंडीशन में जो है फास्ट बॉलर को मदद मिलती है और बॉल जो है वो स्विंग हो रही थी। तो ये ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछो तो कैप्टेंसी भी ठीक ठाक हुई है, और एज अ यूनिट टीम यूनिट नेपाल क्रिकेट टीम खेलती है ना, तो इस तरीके का रिजल्ट आपको दिखता है जो यहाँ पे दिखा है। मजा आ गया, और लिटरली कह रहा हूँ भाई बहुत अच्छी बॉलिंग यहाँ पे की गई है। संदीप लामिचाने के लिए मुझे खुशी है कि उसने जो है 2 विकेट निकाले यहाँ पे, दो नहीं शायद यहाँ पे और भी शायद उन्होंने विकेट निकाला, तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, बिकॉज मैं थोड़ा सा यहाँ पे भूल चुका हूँ। बाकी यहाँ पे देखो दोस्त, इसको लेकर जो कुछ कहना आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं जनरली जानना चाहूंगा आप इसके बारे में क्या सोचते हो, और वीडियो को जो है जहाँ जहाँ शेयर कर देना, ठीक है। संदीप का विकेट मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा यार, 2 या निकाला या 3 निकाला, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं, 2 या 3 ऐसा कुछ जो है संदीप ने निकाला। बाकी इसको लेकर जो कुछ कहना होगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना।